भारत में कोरोना का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन इस बीच कुछ मोर्चों पर भारत को कामयाबी भी मिली है। एक तो देश में ऑक्सीजन की कमी पर फिलहाल तेजी से पार पा लिया गया है, तो वहीं दवा के मामले में भी भारत को बड़ी कामयाबी देखने को मिली है। डीआरडीओ की बनाई दवा ने चमत्कारिक काम किया है, तो वैक्सीन को पेटेंट से मुक्त किए जाने के मुद्दे पर भी भारत को बड़ी सफलता मिलती दिख रही है, क्योंकि अमेरिका के बाद अब यूरोपियन यूनियन के देश भारत के सपोर्ट में आते जा रहे हैं। अगर ये पेटेंट हटता है तो फिर भारत में बुलेट रफ्तार से वैक्सीन बनना शुरू हो जाएंगे। लिहाजा दोस्तों वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि आपको जानकारी मिलने वाली है वो बेहद काम की है। गेम चेंजर साबित होगी डीआरडीओ की कोरोना दवा। ऑक्सीजन सपोर्ट की नहीं पड़ेगी बिल्कुल जरूरत। इस समय पूरा देश कोरोना की दूसरी लहर की चपेट में आ चुका है। हर दिन कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कोरोना वैक्सीन को सबसे बड़ा हथियार माना जा रहा है, लेकिन इस बीच देश की हिफाजत के लिए तकनीक डेवलप करने वाले डीआरडीओ ने देशवासियों की रक्षा के लिए भी करिश्मा कर दिखाया है। संस्था ने कोरोना का समूल नाश करने वाली दवा बनाई। इस एंटी कोरोना ड्रग्स 2DG को DCGI यानी डायरेक्टर कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने भी इलाज की मंजूरी दे दी है। डीआरडीओ में 2DG ड्रग्स के प्रोजेक्ट डायरेक्टर वैज्ञानिक डॉक्टर सुधीर चांदना ने कहा कि ये दवा बेहद कारगर साबित हुई है और इससे देश के करोड़ों लोगों की जान बचाई जा सकेगी। डीआरडीओ ने पिछले साल अप्रैल में जब कोरोना की लहर शुरू हुई थी तब इस दवा पर काम करना शुरू कर दिया था। 2DG दवा के इस्तेमाल से वायरस की ग्रोथ सेल के अंदर पूरी तरह से रुक जाती है। इसके बाद DCGI से इसके क्लिनिकल ट्रायल की मंजूरी मांगी। मई 2020 से फेज 2 ट्रायल की इजाजत मिली और अक्टूबर 2020 तक फेज 2 का ट्रायल किया गया, जिसके बहुत अच्छे नतीजे आए। इस दवा को स्टैंडर्ड केयर के साथ देने पर यह ज्यादा फायदा पहुंचा रही है। स्टैंडर्ड केयर से मतलब है कि जो दवा अस्पताल में भी कोरोना मरीजों के लिए चलाई जा रही है उसे स्टैंडर्ड केयर माना जाता है। इस दवा को लेकर जो ट्रायल किया है वो मध्यम से लेकर गंभीर मरीजों पर किया। ट्रायल अस्पताल में भर्ती मरीजों पर हुआ और सबको फायदा हुआ है। अभी तक किसी में भी नुकसान की जानकारी नहीं है, यानी ये दवा बहुत सुरक्षित है। दूसरे चरण में देखा गया कि मरीज का रिकवरी रेट भी बढ़ा और तीसरे फेज में मरीज की ऑक्सीजन पर निर्भरता में कमी आई, क्योंकि वायरस से संक्रमित जो सेल्स होते हैं वहां ये दवा ज्यादा मात्रा में पहुंचती है और वहां वायरस के ग्रोथ को रोकती है। चाहे शरीर के जिस हिस्से में वायरस हो, जैसे ग्लूकोज फैलता है वैसे ही ये वायरस भी फैलता है। वायरस को ग्रोथ के लिए जो ऊर्जा चाहिए होती है उसको ये दवा कम कर देती है, जिससे वायरस प्रसार नहीं कर पाता। इसके अलावा जो नया वायरस बनता है उसके प्रोटीन को भी ये दवा नष्ट कर देती है। फेफड़ों में भी कोरोना वायरस हमला करता है और 2DG वहां भी जाती है, जिसका असर ये होता है कि ऑक्सीजन पर मरीज की निर्भरता कम हो जाती है। डीआरडीओ ने इंडस्ट्री पार्टनर डॉक्टर रेड्डी लैब को चुना है, जिसके साथ मैन्युफैक्चरिंग तेज करने की कोशिश चल रही है, लिहाजा कुछ ही दिनों में मरीज को इस्तेमाल के लिए ये दवा मिल जाएगी। अनुमान है कि एक महीने से भी कम समय में ये अस्पतालों तक पहुंच जाएगी। इस दवा को लेकर बड़ी बात यह है कि भारत में इसका कच्चा माल भी खूब मौजूद है। भारत में कोरोना की तीसरी लहर का आना तय। एक्सपर्ट बोले वैक्सीनेशन में लाएं बहुत तेजी। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के विनाशकारी प्रभावों के बीच एक्सपर्ट्स ने महामारी की तीसरी लहर की आशंका जताते हुए आगाह किया है कि अगर लोग कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें और आबादी के बड़े हिस्से का कोरोना वैक्सीनेशन हो जाए तो कोविड की तीसरी लहर अपेक्षाकृत कम गंभीर हो सकती है। बीते कुछ हफ्ते से संक्रमण के मामलों में तेजी से इजाफा हुआ है, जिस वजह से महामारी की दूसरी लहर 2020 में आई पहली लहर से भी बदतर हो गई है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि पहली लहर में मामले अपेक्षाकृत कम होने के चलते लोग लापरवाह हो गए, जो संक्रमण के फिर बढ़ने का स्वतः कारण बने। वहीं अन्य का मानना है कि वायरस में आए बदलाव और स्वरूप अधिक संक्रामक हैं। वहीं केंद्र सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजयन राघवन ने पहले कहा था कि तीसरी लहर जरूर आएगी और नई लहरों के लिए तैयार रहना जरूरी है, लेकिन दो दिन बाद उन्होंने स्पष्ट किया कि निगरानी, नियंत्रण, इलाज और जांच संबंधी बताए गए दिशा निर्देशों का पालन करने से बीमारी के बिना लक्षण वाले ट्रांसमिशन को रोका जा सकता है। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स के मुताबिक कुछ महीनों में जब प्राकृतिक रूप से या वैक्सीनेशन की मदद से विकसित की गई इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी तो दिशा निर्देशों का पालन करके ही लोग खुद को संक्रमण से बचा सकेंगे। वैक्सीनेशन को लेकर मोदी सरकार का बड़ा कदम।
देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र ने टीकाकरण अभियान में भी तेजी लाते हुए 1 मई से तीसरे फेज की वैक्सीनेशन शुरू कर दी है। तीसरे फेज में 18 से 44 साल के लोगों को टीका लगाया जा रहा है। हालांकि वैक्सीन शॉर्टेज के चलते कुछ राज्यों में अभी वैक्सीनेशन शुरू नहीं हो पाया है। इस बीच केंद्र सरकार ने बताया है कि कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत से अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 17,56,00,000 वैक्सीन डोज दी जा चुकी है। हालांकि राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, महाराष्ट्र जैसे कई राज्यों ने तीसरे चरण के वैक्सीनेशन की शुरुआत से पहले कहा था कि उनके राज्य में वैक्सीन की खुराक की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता नहीं है। हालांकि इस बीच मोदी सरकार ने पहले अमेरिका और अब यूरोपियन यूनियन से वैक्सीन पेटेंट को हटाने पर बात की है ताकि तमाम फार्मा कंपनियां तेजी से वैक्सीन बना सकें। इस मुद्दे पर भारत को अमेरिका का समर्थन प्राप्त है, लेकिन जर्मनी, ब्रिटेन और स्विट्जरलैंड जैसे ईयू के देश और जापान के साथ ब्राजील इसका विरोध कर रहे हैं। ऐसे में उम्मीद है कि अमेरिका WTO में उसके और दक्षिण अफ्रीका के प्रस्ताव के समर्थन में ईयू देश को मनाएगा। इसी के साथ रूस और चीन को मनाने में भी भारत अमेरिकी सहयोग चाहता है, जो इस मुद्दे पर अभी तक चुप्पी साधे हुए हैं। भारत और दक्षिण अफ्रीका द्वारा तैयार इस प्रस्ताव में कहा गया है कि दुनिया भर में वैक्सीन की सप्लाई को बढ़ावा देने के लिए कोविड वैक्सीन के पेटेंट को अस्थायी रूप से हटाया जाना चाहिए। ईयू के कई अन्य देश जैसे फ्रांस और इटली ने पेटेंट को अस्थायी रूप से हटाने के प्रस्ताव का समर्थन किया है। पीक पर पहुंची कोरोना की दूसरी लहर। कोरोना को लेकर मेडिकल एक्सपर्ट्स ने बड़ी गुड न्यूज दी है कि देश में दूसरी लहर अपने चरम पर यानी पीक पर पहुंच रही है। फरवरी के मध्य में दूसरी लहर शुरू हुई थी, तब से लेकर अब तक पहली बार संक्रमण के रोजाना मामलों के 7-दिनी औसत में गिरावट आई है। हालांकि ये गिरावट बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन सप्ताह के दौरान ये रोजाना मामलों में कमी की ओर इशारा करता है। एक्सपर्ट अब किसी ठोस नतीजे तक पहुंचने के लिए अगले हफ्ते तक का इंतजार कर रहे हैं ताकि क्लियर हो पाए कि दूसरी लहर अपने चरम तक पहुंच चुकी है। दरअसल इसके इर्द गिर्द कई तरह की अनिश्चितताएं हैं। पहली ये कि देश में पॉजिटिविटी रेट यानी लोगों के संक्रमित होने की दर अब भी बहुत ज्यादा 22% है। पिछले 3 दिनों में पॉजिटिविटी रेट करीब 22% रही। इसके अलावा कई राज्यों में मामले अब भी बढ़ रहे हैं, जिनमें कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, असम, बंगाल, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर शामिल हैं। राजस्थान और बिहार में मामलों में बढ़ोतरी राष्ट्रीय औसत से ज्यादा बनी हुई है। अच्छी बात यह कि महाराष्ट्र में साप्ताहिक मामलों में कमी आ रही है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गुजरात और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भी रफ्तार घटी है। कोरोना ने इन राज्यों पर खासा कहर बरपाया है।